नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए हम त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुके हैं। इसके बाद हम आपकी जो कक्षा 10वीं अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको 75 में 75 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करना है। ये अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिर्फ वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। यहां पर देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिएगा, आपके सामने दिया गया पहला ऑप्शन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा थर्मेट अभिक्रिया, तीसरा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और चौथा ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो खाद्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूटना होता है वो होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कारण, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहां पर देखिएगा कि Fe2O3+2Al का यहां पर क्रिया करेगा तो ये अभिक्रियाएं बन रही हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहां पर दिया गया है आपका कि प्रश्न क्रमांक 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, या फिर मिश्रण कहलाते हैं। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि आपका ये 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसका सेकंड पेज लेकर आते हैं। सेकंड पेज में आपका देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमने देख लिया इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस धातु का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, टूटी हड्डी की जब भी जोड़ते हैं तो धावक सोडा का प्रयोग किया जाता है, या फिर बेकिंग सोडा का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या फिर ब्राइन का। तो देखिएगा, हम अधिकतर जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन सहित, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको सर्च करना है क्लास 10 साइंस त्रैमासिक पेपर 2024 और एसके टीच आप कर देना है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आपको नीचे स्क्रॉल आ जाना है। यहाँ पर आपको देख रहा है MP बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान 2024। ठीक है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और ये PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि दही में पाए जाने वाला अम्ल है, तो दही में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर मैथनॉइक अम्ल। तो देखिएगा, दही में जो पाया जाता है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है पहला कि रिक्त स्थान भरना है, ये भी आपके 6 अंक के आने वाले हैं। बच्चों, अगर कक्षा 10वीं की आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो मॉक टेस्ट है वो आपके टेलीग्राम पर फ्री करवा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से सभी लोग। ठीक है, चलिएगा चलिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है। तो देखिए, जो भी जो वर्णक होता है उसका नाम यहां पर आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन।
दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक के द्वारा होता है। तो देखिएगा, पादपों में जल का संवहन होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तुम यहां पर लिखेंगे जाइलम, ठीक है? चलिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न दिया गया है कि कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? तो देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण होता है। किसका होता है? केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण होता है, ठीक है? यहां पर ये केंद्र इस तरीके से नहीं लिखा होगा, मिस्टेक हो गया, केंद्रीय ये लिखा होगा, ठीक है? केंद्रीय तंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है? चलिएगा, अगला दिया गया है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? जो अग्नाशय से निकलता है प्रोटीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन बोलते हैं। तो ये राइट आंसर आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है? चलेगा, अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहां पर होता है? तो यह होता है मेरुरज्जु में। ठीक है, चलेगा, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है, तो यह आपका होता है प्रेमस्तिष्क। क्या होता है? प्रेमस्तिष्क होता है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिएगा, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो देखिए, चांदी की जो परत होती है वो होती है सिल्वर ऑक्साइड की। किसकी होती है? सिल्वर ऑक्साइड की, सॉरी, सिल्वर सल्फाइड की होती है। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है? यह हिस्सा है आपका, ठीक है? चलिएगा, अगले प्रश्न पर दिया गया कि ये सूत्र दिया गया है CO2 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये होता है आपका, क्या होता है? ये आपका व्रंजक चूट है, कई बार पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है, ठीक है? व्रंजक चूट। चलिएगा, अगले प्रश्न पर देखते हैं, किस धमनी में द्विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होती है? तो किसमें होता है बच्चों? तो देखिएगा, ये होता है किसमें? महाधमनी में। ये इसका राइट आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये आपकी होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है? चलिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो देखिए, जो किसकी हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की जिस व्यक्ति में कमी आ जाती है उन्हें मधुमेह हो जाता है, ठीक है? इंसुलिन की कमी से, ठीक है? चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर देखिए, हम देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हम देखने वाले हैं कि इसका छठा क्वेश्चन से दिया गया है कि देखिएगा कि आपतित करण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए, जब आप समतल दर्पण में आपतन कोण 30 डिग्री का बना रही है, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है? कैसे होगा? अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करेंगे, हम इस पर सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है? चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि सही जोड़ियां बनाना है। तो यहां पर देखिएगा, पहला दिया गया है नेत्र रोग। तो नेत्र रोग से क्या हो जाएगा? जिसमें नेत्र रोग होगा वो क्या होगा? धुंधला देखना प्रारंभ कर देगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धुंधला देखना, ठीक है? तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना क्या है? एक वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो यहां पर आपको इसको इसमें कर देना है। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा आपका बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है? चलेगा, अगला दिया गया है आपका डायोप्टर, तो डायोप्टर आपका क्या है? डायोप्टर से देखिएगा क्या होता है, प्रकाश की किरण हो जाएगा आपका डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर आपकी क्या होता है? लेंस की क्षमता इससे नापी जाती है, ठीक है? ये आपका लेंस की क्षमता। एक सरल स्पेक्ट्रम रेखीय पद क्या होगा आपका? देखिए, एक सरल रेखीय पद आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकाशकरण, ठीक है? प्रकाशकरण, ठीक है?
स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम होता है आपका इंद्रधनुष। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये पीडीएफ आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी ये पीडीएफ देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, तो चलिएगा अब सत्तासत देख लेते हैं। सत्तासत दिया गया है पहला कि मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, क्या ये असत्य है या फिर सत्य है? तो देखिए, जो मनुष्य है वो क्या है, एक मांसाहारी जीव है, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है, क्योंकि मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, कुछ व्यक्ति मांस खाते हैं कुछ शाकाहारी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगला दिया गया है, सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु बिल्कुल, क्योंकि सोडियम को जब हम पानी की उपस्थिति में करते हैं या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो उसमें क्रिया हो जाती है, तो ये एक क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, चलिए सत्य हो गया, तो यहाँ पर मैंने राइट का निशान लगा दिया। अगला दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो क्या एक है या नहीं? तो ये असत हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। ये आपका एक अभिक्रिया दी गई है, क्या एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, क्या इसमें ऊष्मा का अपघटन हो रहा है? तो बिल्कुल राइट है कि इसमें ऊष्मा का अपघटन हो रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रसारित करता है, तो क्या होता है ये, सत्य है असत्य? बिल्कुल राइट है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर अगला प्रश्न दिया गया, केक या पावर रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि इसका ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए हैं इम्पोर्टेंट काफी, तो ये क्वेश्चन पेपर हमने देखा है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर आपको याद नहीं होते हैं, तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको उस वीडियो का सरल भाषा में सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो इन प्रश्नों को तो आपको याद करना ही करना है, साथ में आपको इन प्रश्नों को भी याद करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर बताना है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके आपको उदाहरण भी बताना है, तो इस प्रश्न को भी आपको करके जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को रोककर एक बार इनको देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। ठीक है, इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको देखिएगा यहाँ पर इसको पीडीएफ डाउनलोड करने का मैंने आपसे बताया कि गूगल पर जाना है, आपको सर्च करना है, वहां से जाकर आप सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।